आई कहाँ से बेटा? मैं दिल्ली से आई हूँ ना। अच्छा, क्या काम की कढ़ाई लाई है? भैया मेरा संकट था, मेरी जब से शादी हुई है तब से मैं परेशान थी। अच्छा, तो मैंने 10 साल हो गए शादी को मेरी, मैंने जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से मेरे सपनों में संकट कट रहे हैं। आप एक ही बार में मेरी 2 बार जोड़ी करते हो। बहुत सच्चे दरबार की, तभी तो कहती हूँ बेटा विश्वास जिसका पक्का होगा तो घर जाके कार्य हो जाएंगे, संकट कितना भी बड़ा हो, लेकिन विश्वास रखना अपनी भगवती पे, अपने गुरु माँ अंजलि पे बस, और श्री राम के जयकारे लगाते रहे। एक साल में इतने सपने देखे मैंने जिंदगी में नहीं देखे, और हर सपने में मैंने कभी कंच के बिठा रही हूँ, मैं कभी माता के दर्शन कर रही हूँ, कभी भद्रकाली के दर्शन, और संकट नवरात्रों में जो दुश्मन है मेरे, हाँ हाँ, जो मतलब घर के ही, हाँ हाँ, वो मेरे पे कर रहे हो, हमेशा दुश्मन घर के ही होते। महाभारत जब भी हुई है और कहते हैं राम जो युद्ध हुआ था वो भी घर के ही थे, वो सीता का क्या लगता था, वो पिता ही तो था। तो वो मुझे सपनों में दिखा, जैसे मुझे कोई सुइयां, जैसे सुइयां दिखती थी, काली बिल्ली दिखती थी अपने ही घर में, काली बिल्ली शमशान क्रिया जी, मुझे मारने तक की ऐसे मुझे आप खुद बताते थे। हाँ, तो मुझे शक्ति भी थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं जब आपकी किसी शिष्य से जुड़ी तो जुड़ते ही मुझे पहली वीडियो पे जब कॉलिंग पे बात हुई मेरी, गिंगलापुर धाम से है रीमा माँ मेरी, गुरु आप दाद गुरु माँ जी है मेरी। अच्छा अच्छा, फिर तो मुझे गुरु माँ की बोल रही है, दाद गुरु बोल वे के घंटे ली। तब से मैं बड़ी खुश हूँ, मतलब मुझे सब कुछ दिखता भी हो, काटते भी हो। अच्छा, बहुत साचे दरबार की, भगवती ने इस बच्ची का कार्य किया, ऐसे संकट काटा और बच्चे की उम्र लंबी कर और ऐसे ही करती रहे और मुसीबत से बचाती रहे, भगवती के जयकारे लगते रहे, श्री हरि के श्री नारायण के जयकारे लगते रहे। बहुत साचे दरबार की जय। इसका भी बहुत बड़ा संकट था, मैं फिर फेस नहीं ले सकती, तूने फेस मना किया। अभी मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता मेरी शक्ति के बारे में कि आपने मतलब। हाँ तो तभी फिर तू क्यों अपने चिरकुंडे को आगे कर रही है? नहीं, इसका